शुरू करो। शुरू क्या कर लिया? हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते मेरे दिल, मेरे प्यारे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दिल से नमस्ते आपको। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? हम आपसे दुआ करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अपने काम में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, आप सब बढ़िया होंगे, खुश रहेंगे। और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, वीडियो का दूसरा पार्ट है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसमें छुपार में पेस्ट कैसे लगाया जाता है और पेस्ट कैसे तैयार किया जाता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पेस्ट कैसे तैयार किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखिए, तो इसमें पेस्ट घोल गया है, 800 ग्राम तेल दिया है, मतलब 800 ग्राम तेल और 1 किलो पेस्ट दिया है इसमें, देख लीजिए। सॉरी नहीं, इसमें 1 किलो पेस्ट, 1 किलो तेल और 800 ग्राम पेस्ट दिया गया है। सॉरी, इसमें 1 किलो तेल, रिफाइंड जो राग है, इसका जो राग पन्नी है, ये वाला तेल दिया है, ये वाला रिफाइंड पन्नी इसमें दिया गया है, 1 किलो रिफाइंड है ये वाला, और 800 ग्राम तेल दिया गया है। घोल के तैयार हो गया है पूरे, खाली इसमें गैस चूल्हा पर गर्म करना पड़ेगा, देख लीजिए। गर्म करने पर ये थोड़ा हीट हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा, मीडियम अपना साइज में आ जाएगा, फिर इस पर चकवार में पेस्ट लगाया जाएगा। फिलहाल इसमें अभी तो गैस नहीं, ख़त्म हो गया है, घर पे जाना पड़ेगा, इसलिए इस पर थोड़ा धूप में दे देते हैं। आइए चलिए आपको धूप में दिखाने जा रहा हूँ, धूप में दे देते हैं, मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको धूप में देने जा रहा हूँ इसको, देख लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए इसमें धूप में इसको दे देते हैं और फिर ये गर्म हो जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पेस्ट लगाया जाता है। तो थोड़ी देर इसको गर्म होने देते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान है, पेस्ट गर्म हो चुका है, देख लीजिए। थोड़ी देर के बाद मैं पेस्ट को गर्म करने के लिए देता धूप में, पेस्ट गर्म हो चुका है, मीडियम साइज में आ गया है, ये पेस्ट गर्म होकर तैयार हो गया है। आपको इसमें दिखाने जा रहा हूँ सादा चकवार में कैसे पेस्ट लगाया जाता है, तो देखिए कैसे पेस्ट लगाया जाता है। ये जो चकवार है, हल्का सा हवा दे दीजिए इसको और जैसे सॉफ्ट हो जाएगा, चकवार पर चकवार चिपकेगा नहीं, नहीं तो हिलाएगा नहीं, तो चिपक जाता है, इसलिए इसको हिला के आराम से इस पर रख देते हैं। फिर से नया चकवार लीजिए और फिर से ऐसे तेल में दीजिए और फिर से ऐसे गड़ने दीजिए इसको, ऐसे गड़ते गड़ते पूरे देख लीजिए। आपको मैं वीडियो अपना फास्ट करना पड़ेगा, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ उसमें, हिला हिला कर फिर से धीरे धीरे हिला के रख देना इसको। फिर से मैं इसको वीडियो थोड़ा फास्ट कर देता हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर से जल्दी फास्ट में लगाना पड़ेगा। फिर वो गड़ते देते पूरे गाड़ के पूरे ऐसे हिला के रख देते हैं, बस देख लीजिए ये लग गया है। ऐसा ही चकवार में पेस्ट लगाया जाता हूँ लगाया जाता है। इसके लिए मैं धन्यवाद और इससे अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, धन्यवाद। मेरे भाइयों देख लीजिए, आपको ये चकवार जो दिखाया था पेस्ट लगा तैयार हो गया है। अब सूखने के बाद भेजने के बाद कस्टमर को देंगे चकवार। आज मैंने आपको इस वीडियो में चकवार में पेस्ट कैसे लगाया जाता है, कैसे घोला जाता है, सब मैं आपको वीडियो में दिखाई दिया कैसे लगाया जाता है चकवार में पेस्ट, कैसे कितने तेल कैसे गर्म किया जाता है, सब मैं दिखा दिया आपको इस वीडियो में। धन्यवाद, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम। और इससे अगला मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, धन्यवाद। आप सब खुश हों, खुश रहेंगे, ओके, थैंक यू।